सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस स्क्वाड चैनल। हम अक्सर अपने भारतीय सैनिकों के बहादुरी के किस्से सुनते रहे हैं, तो आज के एपिसोड में हम आपको ग्रेट इंडियन आर्म फोर्सेस के 10 ऐसे सोल्जर्स से परिचय कराने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी यंग एज में ही अदम्य साहस और बहादुरी से देश को गर्व महसूस कराया है। हमें उम्मीद है ये वीडियो देखने के बाद आपका ग्रेट इंडियन आर्म फोर्सेस के सोल्जर्स के लिए सम्मान और भी बढ़ जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। कॉर्पोरल सैलब गौर, गरुण कमांडो। गरुण कमांडो फोर्स के 24 साल के कॉर्पोरल सैलब गौर को पठानकोट हमले के दौरान 6 गोलियां लगी थी, लेकिन इसके बावजूद भी वे आतंकवादी से लड़ते रहे थे और उनकी कोशिशों को नाकाम कर दिया था। पठानकोट हमले के दौरान आतंकवादियों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले कॉर्पोरल सैलब गौर अब पूरी तरह से स्वस्थ हैं और वे अपनी ड्यूटी को दोबारा ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं। कैप्टन पवन कुमार, 9 पैरा स्पेशल फोर्सेस। कैप्टन पवन कुमार यंगेस्ट स्पेशल फोर्स ऑफिसर थे जो 22 साल की उम्र में आतंकवादियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हो गए थे। कैप्टन पवन कुमार का लास्ट फेसबुक स्टेटस था, किसी को रिजर्वेशन चाहिए तो किसी को आज़ादी, हमें कुछ नहीं चाहिए बस अपनी रजाई। इसका मतलब ये हुआ, सम वॉन्ट रिजर्वेशन, अदर वॉन्ट इंडिपेंडेंस, बट आई डू नॉट वॉन्ट एनीथिंग एक्सेप्ट माई ब्लैंकेट। लांस नायक मोहननाथ गोस्वामी, 9 पैराशूट रेजिमेंट। लांस नायक गोस्वामी ने जम्मू कश्मीर में एक ऑपरेशन के दौरान शहीद होने से पहले 11 दिनों में 10 आतंकवादियों को मार गिराया था। लांस नायक गोस्वामी को उनके अदम्य साहस और बहादुरी के लिए देश के हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। कैप्टन विक्रम बत्रा, 24 साल के कैप्टन विक्रम बत्रा कारगिल युद्ध के वो हीरो थे जिनके नाम से ही दुश्मन कांपता था। उनके दुश्मन उनको शेरशाह के नाम से बुलाते थे। कैप्टन विक्रम बत्रा ने कारगिल युद्ध के दौरान 0.5140 को हासिल करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कैप्टन विक्रम बत्रा को उनकी बहादुरी और वीरता के लिए देश के हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड परमवीर चक्र से भी सम्मानित किया गया है। कैप्टन विक्रम बत्रा के आखिरी शब्द थे, या तो तिरंगा लहराकर आऊंगा या फिर तिरंगे में लिपटा चला आऊंगा, लेकिन वापस जरूर आऊंगा। कांस्टेबल रॉकी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। 25 साल के बीएसएफ कांस्टेबल रॉकी ने बीएसएफ की टुकड़ी पर हुए एक आतंकवादी हमले में अपनी जान पर खेलकर 44 जवानों की जान बचाई थी और उन्होंने आतंकवादियों के हमले को नाकाम कर दिया था। बीएसएफ कांस्टेबल रॉकी को उनकी बहादुरी और सर्वोच्च बलिदान के लिए शौर्य चक्र से भी सम्मानित किया गया है और कांस्टेबल रॉकी सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस में एकमात्र ऐसे जवान हैं जिन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। मेजर मुकुंद वरदराजन, राजपूत रेजिमेंट। मेजर मुकुंद वरदराजन ने 25 अप्रैल 2014 को जम्मू कश्मीर के सोपिया के काजीपथरी गांव में एक आउटहाउस में छिपे हिजबुल मुजाहिदीन के 3 आतंकवादियों को मार गिराया था। मेजर मुकुंद को उनकी वीरता और बहादुरी के लिए इंडिया के हाईएस्ट पीस टाइम गारंटी अवार्ड अशोक चक्र से भी सम्मानित किया गया है। कर्नल संतोष महादिक, कमांडिंग ऑफिसर ऑफ 41 RR। कर्नल संतोष महादिक 41वीं राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर थे और वे 21 पैरा स्पेशल कमांडो यूनिट में भी रहे थे
जिस दौरान उन्होंने कई ऑपरेशंस को अपने अंजाम तक पहुंचाया था। कर्नल संतोष महादेव दिसंबर 1998 को इंडियन आर्मी में कमीशन्ड हुए थे और वे इंडियन आर्मी में एक अकॉम्प्लिस पैराट्रूपर और कॉम्बैट अंडरवाटर डाइवर भी रहे हैं। कैप्टन तुषार महाजन 9 पैरा SF। 9 पैरा SF के 26 साल के कैप्टन तुषार महाजन का बचपन से एक ही सपना था कि डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करना और अपने देश के लिए लड़ना। कैप्टन तुषार महाजन जम्मू कश्मीर में अपने एक ऑपरेशन के दौरान आतंकवादियों से लड़ते वक्त 4 गोलियां लगने की वजह से शहीद हो गए थे। लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन कुमार। लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन कुमार नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी NSG फोर्स की एलीट बॉम्ब स्क्वाड के प्रमुख थे। लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन कुमार पठानकोट हमले के वक्त आतंकी के शव से एक लाइव ग्रेनेड को अलग करने के दौरान हुए विस्फोट में शहीद हो गए थे। लेफ्टिनेंट कर्नल कुमार के आखिरी शब्द जो उन्होंने अपने पिता से कहे थे वो थे, डैड आई एम ऑन एन ऑपरेशन। सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव। सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव इंडियन मिलिट्री के यंगेस्ट पर्सन हैं जिन्हें हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव 18 ग्रेनेडियर के घातक कमांडो प्लाटून के जवान थे जिन्होंने कारगिल युद्ध के दौरान टाइगर हिल के 3 स्ट्रेटेजिक बंकर्स पर कब्जा करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अपने घर और परिवार से दूर रहकर इन युवा सोल्जर्स ने अपने जीवन का बलिदान दिया ताकि सभी देशवासी अपने घरों में महफूज रह सकें। इनके साहस और जुनून की कहानियां जीवन से भी बड़ी हैं और सही मायनों में यही रियल हीरोज हैं। तो हमारे आज के एपिसोड के लिए इतना ही। हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम रोजाना आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग डिफेंस वीडियोस लाते रहेंगे।